व्यूअर्स, तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्राइवेट कंपार्टमेंट पत्राचार रिपीटर कैंडिडेट्स आप सबके लिए अब तक की द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिगेस्ट अपडेट कहूँगा, और एक बहुत अच्छी खबर जो कि मेरे प्यारे दोस्तों निकल कर आ रही है कि आप लोगों के हो सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शक नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अपडेट ही कुछ इस तरीके से निकल कर आई है। और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ SBJ क्लासेस यूट्यूब चैनल, दैट इज़ आप सबको पता होगा, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, कोई यूट्यूबर नहीं है, बट वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टैंड ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने भी एक अपडेट दिया है ऑनलाइन एग्जाम को लेकर, मैटर को लेकर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको एक बात, मैं आप सबको इस अपडेट देना चाहूँगा इस वीडियो में, और काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा और मैं भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं, पर उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, एज ए एल्डर ब्रदर, आप लोग पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को रेगुलर कैंडिडेट्स की तरह रहना है। जैसे रेगुलर कैंडिडेट्स अपना पढ़ाई भी कर रहे थे, अपडेट भी देख रहे थे, ट्विटर पे भी लगे हुए थे, तब जाके एग्जाम कैंसिल हुआ था। तो मैटर है यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम लेने का। तो बात ये आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों कि महाराष्ट्र में 613 स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव हुए, जबकि पेरेंट्स उन्हीं को ब्लेम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि क्यों गवर्नमेंट ने आखिर स्कूल खोला और हमारे जो बच्चे कोविड पॉजिटिव हुए, इसको देखते हुए पूरे महाराष्ट्र के स्कूल बंद हुए। साथ ही साथ जितने भी अदर स्टेट में हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अदर स्टेट, वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, ऑफलाइन एग्ज़ाम और स्कूल नहीं खोले जा सकते, नहीं लिए जा सकते। अब यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये उठ कर आ रहा है कि अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम आप लेने के लिए मना कर रहे हो गवर्नमेंट होकर, तो फिर आप क्यों प्राइवेट कंपार्टमेंट वालों का एग्ज़ाम लेने वाले हो? CBSE के पास एक एक्सक्यूज़ है कि आप लोग कम नंबर में हो। तो आप लोग कम नंबर में हो तो क्या आप लोगों का लाइफ नहीं है? अगर आप में से किसी को डेल्टा वेरिएंट होता है तो क्या आपकी लाइफ नहीं जाएगी? और मेरे प्यारे दोस्तों, जहाँ पर पेरेंट्स की बात कर लें, जहाँ पर पेरेंट्स हैं जिनके सिंगल चाइल्ड हैं बहुत सारे, उनका क्या होगा? तो बेसिकली जो अपडेट निकल कर आ रही है, अभी हाल ही में जितने भी एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज दिया जा रहा है कि स्कूल ना खोले जाएँ और ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ना लिए जाएँ। तो इधर यूनिवर्सिटीज़ ने तो डायरेक्ट अभी इस मंथ यानी कि अगस्त एंड में मेरे प्यार दोस्तों, यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम जो कि ऑफलाइन होने वाले थे ऑल ओवर इंडिया में, उससे भी जो ऑनलाइन मोड में लेने की जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। तो जब सबके लिए ये देखा जा रहा है कि सबके लाइफ इंपॉर्टेंट है, देन वाई नॉट फॉर कंपार्टमेंट प्राइवेट पत्राचार रिपीटर कैंडिडेट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? बट आपके लिए काफ़ी सारी कोशिशें की जा रही हैं, मैं देख रहा हूँ कि बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। अगर ये लोग एग्ज़ाम लेते भी हैं, वो ठीक है, आप लोग एग्ज़ाम लो, पर आप लोगों को रेगुलर कैंडिडेट्स की तरह मार्क्स देना होगा, मतलब ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड पास, सबको पास कराना होगा, एंड 99.9% स्टूडेंट पास होने चाहिए कंपार्टमेंट प्राइवेट पत्राचार रिपीटर्स के, सब पास होने चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम लेते हो, अच्छे मार्क्स दो। CBSE ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम में फंसी हुई है CBSE कि वो लोग जो रिजल्ट प्रिपेयर किए हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है, कई सारे स्टूडेंट जो हैं कंप्लेन कर रहे हैं इसको लेकर। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग पढ़ाई करते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, भाई बहन जैसे हो मेरे, और दूसरी तरफ आप लोग अपडेट्स के साथ भी बने रहें। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, छोटी सी सेकंड्स को वीडियो को देखिए, यूज़फुल लगे जरूर यूज़ करिए, क्योंकि इस वक्त आपकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और ट्यूशन भी नहीं मिल रहा, तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करके अपना डाउट क्लियर करें। थैंक यू सो मच। आपको भी पढ़ाई में डाउट आते हैं तो आपके प्रॉब्लम का सलूशन है फिलो ऐप, जो कि स्टूडेंट में अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। चाहे आपका क्वेश्चन हो, डाउट हो, कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स का क्वेश्चन हो, जेई नीट का क्वेश्चन हो, हर एक चीज़ का सलूशन है। कहीं भी, कभी भी, किसी भी टाइम आप यहाँ पे बहुत इजीली, बहुत सिंपली 3 सिंपल स्टेप में जान सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आपको इसको ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और लिंक इन डिस्क्रिप्शन रहेगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने नंबर से रजिस्टर कर लेना है, साइन अप करना है, देन कंटिन्यू। उसी के साथ आपके क्वेश्चन को यहाँ पे फोटो क्लिक कर लेनी है या टेक्स्ट कर देना है, और कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर, 60 सेकंड्स के अंदर अंदर आपके टीचर से लाइव कनेक्टेड हो जाएंगे आप लोग। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर आपको और डाउट है तो आप बताइए। Thank you. तो मेरे प्यार दोस्तों, बहुत सिंपल एंड वेरी इजी, ओनली 3 सिंपल स्टेप्स। सो डाउनलोड एंड आस्क फिलो। थैंक यू सो मच।